हेलो दोस्तों, मैं नीरज आप लोग के सामने एक छोटे से ट्रिक से फिर से खड़ा हूँ, जो आपको टाइप टू है, जो आपको कंपटीशन में जो है एक छोटे से समय में एक फ्यू सेकंड में जो है इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द इवन एंड ऑड नंबर, अगर मान के चलिए आपको कह दिया जाए, एक नेचुरल नंबर दे दिया जाए और कह दिया जाए कि अगर 1 से 20 तक इस नंबर को लिखा गया है और इस नंबर में से आप इवन का सम और ऑड का सम बताइए। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इवन क्या होता है। इवन क्या होता है, जो 2 से मल्टीपल होता है उसको इवन कहते हैं और जो 2 से मल्टीपल नहीं होता है उसको ऑड कहते हैं। देखिए जैसे मान लो 1, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन है, और 1, 3, 5, 7 9 ये सब क्या है, ऑड है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 इस नंबर को सीरियल 20 तक लिखा जाए तो इसमें से नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ जो ऑड है उनका सम क्या होगा। तो मान चलिए यहाँ तक देखिएगा तो संख्या का नंबर कितना है, 1, 2 अगर गिनिएगा ऐसे संख्या को तो ये संख्या कितना बार आया है हमारा जो है 20। इस 20 में से, इस 20 संख्या में से 10 हमारा क्या होगा, 10 हमारा इवन संख्या होगा, 10 क्या होगा हमारा ऑड होगा, 10 हमारा इसमें क्या होगा ऑड होगा। देखिए अगर दिस वन, देखो 1, 2 ऐसे गिनते जाइएगा, इसमें से 10 हमारा इवन होगा, 10 हमारा ऑड होगा। ठीक है, इवन को सम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो 10 आ रहा है 10 का अगला नंबर क्या होता है 11, 10 का अगला नंबर क्या होता है, 10 का अगला नंबर होता है 11, उसको 11 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और उसी हमारा क्या निकल जाएगा, इवन का सम निकल जाएगा 110। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इवन के लिए क्या करेंगे, मान जितना नंबर, मान लीजिए 10 नंबर दिया हुआ है, 10 जो है इसका, इसमें 10 जो है इसमें इवन है तो उसको क्या करेंगे, 10 का अगला वाला नंबर जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाए। उसी तरह आप देखते हैं ऑड का, ऑड का मान लीजिए इसमें जो है ऑड का जो नंबर है 10 है तो इसको क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, इसका क्या सम निकल जाएगा 100, क्या निकल जाएगा इसका सम हमारा 100 जो है इसका हमारा सम निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको देखिएगा, अगर मान चलिए इसमें से 100 संख्या है, इस 100 संख्या में से 50 हमारा क्या होगा, 50 हमारा इवन होगा और 50 हमारा क्या होगा, 50 हमारा ऑड होगा, 50 हमारा क्या होगा, 50 हमारा ऑड होगा। इस इवेंट को क्या करेंगे, जो 50 हमारा आ रहा है, 50 का अगला वाला संख्या क्या होगा 51, 50 का अगला वाला 51 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 525, 2550 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। अब इसी को देखें, ऑड को निकालना हो तो ऑड को आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो 50 दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 525 2500 हमारा क्या हो गया, इसका सम निकल गया। अब उसी तरह देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है 1 से स्टार्ट है और 101 तक है, अगर इसमें देखो, देखिए ऑड से स्टार्ट है और ऑड तक खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ ऑड का होगा वो इवन से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें 101 है तो इसमें इवन का जो संख्या होगा, इवन का इसमें 50 होगा और ऑड का 51 होगा, और इवन का अगर हमें सम निकालना था हम लोग क्या कर रहे थे, 50 के अगले वाले नंबर से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, कर दे रहे थे ना, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या आएगा 525 मतलब 2550 आएगा। ठीक है, 2550 आएगा और इसको अगर ऑड का निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा क्या आएगा 2601 मतलब 2601। ठीक है, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हमको अगली जो पार्ट है उसको बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।